भूल जाओ पांड्या, धोनी और सूर्या के छक्के, अब टीम इंडिया को मिल गया है सभी खिलाड़ियों का बाप। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी, हम किस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं बताएंगे इस वीडियो में। अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों भारतीय टीम इस समय यहां पर दोस्तों कई ऐसे फिनिशर्स के तलाश में है जो कि उसको हर मैच में एक अच्छा फिनिश प्रदान कर सके, लेकिन टीम इंडिया के पास अभी भी सूर्य कुमार यादव, उसके अलावा हार्दिक पांड्या जैसे बड़े बड़े फिनिशर्स हैं जो कि कभी भी मैच का रुख बदल सकते हैं। लेकिन दोस्तों टीम इंडिया को ये बात भी पता है कि अब ये बहुत दिन तक नहीं चलने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से इनका यहाँ पर दोस्तों डाउनफॉल आ रहा है उससे बहुत दिन तक ये चलना कन्फर्म नहीं माना जा रहा है। इससे पहले हम देखते थे कि किस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया के लिए फिनिशिंग का काम किया करते थे, लेकिन उनके संन्यास लेने के बाद टीम इंडिया ने कई दिनों तक एक फिनिशर को लेकर स्ट्रगल किया, पर अब उनका स्ट्रगल दूर हो गया है क्योंकि टीम इंडिया में एक ऐसे खिलाड़ी की एंट्री हुई है जो कि यहाँ पर दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी से भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करता है। दरअसल दोस्तों हम जिस खिलाड़ी की बात करें उस खिलाड़ी का नाम है रिंकू सिंह। रिंकू सिंह जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं अपने आप में काफी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं। रिंकू सिंह की इसी बल्लेबाजी की बदौलत उनको महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ियों के कार्ड में गिना जाने लगा है, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रिंकू सिंह जो कि यहाँ पर दोस्तों इसी आईपीएल में उतना ज्यादा फेम उनको मिला है, अगर इस तरीके से वो खेलते रहेंगे तो आने वाले समय में वो टीम इंडिया के लिए बेहतरीन फिनिशर बन सकते हैं। हाल ही में खेली जा रही दिलीप ट्रॉफी उन्होंने 79 गेंदों में 48 रनों की टेस्ट में ताबड़तोड़ पारी खेलकर यह बता दिया कि टेस्ट क्रिकेट में भी वो तेज खेलना जानते हैं। आप किस पर क्या राय है कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।